नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कोल्फी मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, आज ईद मिलादुल नबी थी और कोलांचल शिल्पांचल समेत पूरे देश भर में मुसलमान समुदाय के लोगों ने जुलूस मोहम्मदी निकालकर मोहम्मद साहब के पैगाम को फैलाया। नबी नगर सोसाइटी द्वारा एक सराहनीय पहल करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहाँ पे बड़े पैमाने पे लोगों ने रक्तदान में हिस्सा लिया और ये पैगाम दिया कि आज के दिन लोगों की सेवा और इंसानी ज़िंदगी के बारे में सोचने का दिन है, जो इस्लाम सिखाता है। सर, सबसे पहले आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेट कि आपने आज यो में जश्न विलादत के मौके पर एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। पिछड़े आपका मन में ये बात कब आया? मेरे मन में ये बात आया कि जब रोड पे जुलूस लोग निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चे बूढ़े सब पूरा भीड़ हो जाता है, और ये जो मोहम्मद प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये पूरी दुनिया के लिए रहमत है। हम लोग मुसलमान सोचते हैं ये सिर्फ मेरे नबी हैं, ऐसा नहीं है। ये पूरी दुनिया के लिए, पूरे मानव जाति के ये नबी है, पैगम्बर है और अंतिम ऋषि है, अंतिम अवतार है, तो ये सबके लिए रहमत है। तो रोड पे जो हम भीड़ लगाते हैं तो वह जहमत का काम हो जाता है। कोई हार्ट पेशेंट है, कोई डिलीवरी पेशेंट है, उन लोग बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोई इमरजेंसी ऑफिस जा रहे हैं तो बहुत परेशान होते हैं वो लोग। तो इसलिए हम सोचा कि मनाना तो है, 100 बार मनाएंगे मिलाद उनकी, लेकिन हम अपने मोहल्ले में मनाएंगे और इस मौके पर ये खून का जो अतिया है ये हम लोग दान करेंगे। रोड पर जो निकालते हैं जुलूस, वो भी एक अमन का पैगाम देते हैं, वो भी एक अच्छा काम करते हैं। हाँ, रोड पर निकालते हैं वो अमन का पैगाम है, अच्छा काम करते हैं वो भी। ये भी आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये भी हम जो सोचा कि इससे क्या होता है कि कुरान में या वेद में बताया गया है कि जितने एक आदमी की जान बचाया वो पूरी इंसानियत की जान बचाया, और जिसने एक आदमी ने कत्ल किया यानी पूरी इंसानियत ने कत्ल किया। ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत लोग खुश है ना। तो कुछ लोग मेरे नबी नगर के रोड पे भी निकले हैं और न्यू नबी नगर हम लोग ये काम किया है, और वो लोग भी इसमें शामिल है, हम लोग भी शामिल है उनमें। ये आप लोग फर्स्ट ईयर है ना? हाँ, फर्स्ट ईयर हम लोग। ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, ये सिलसिला अब ये खून अतिया का जो शुरू हो जाएगा। और जैसे हम लोग मिठाई रोड में बांट रहे हैं, एक लीफलेट दे रहे हैं, ये हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने छोटा सा पर्ची दे रहे हैं। क्या प्रोग्राम किया आप लोगों ने? क्या क्या किया आज हम लोगों ने? जैसे जुलूस निकाला, मोहल्ले में घुमाया, उसके बाद यहाँ मिलाद शरीफ हुई, फातिया खानी हुआ, लोगों को सिरनी बांटा गया, फिर रोड में जितनी गाड़ी पार कर रहे हैं सबको मिठाई हम लोगों ने तकसीम किया। हमारे साथ मेरे काउंसलर भी हैं और यहाँ के जितने भी सोशल वर्कर थे सभी लोग मेरे शामिल हैं, सब मिलकर हम लोगों ने काम किया है। फिर लंगर बन रहा है, लंगर भी सबको तकसीम किया जाएगा। ये सब लोग बहुत मुबारकबाद दिए हैं और बहुत खुशी लगा सबको, हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है ये काम करके। चल, आखिरी क्वेश्चन ये सर कि आज बहुत ही अच्छा दिन है, इस दिन पे क्या मैसेज है? ये दिन जो है आज का, इसी दिन के सदके में जमीन आसमान को अल्लाह ने पैदा किया और पूरी कायनात माने जितने भी है सबको पैदा किया इसी आज के इस दिन की खुशी में। तो ये तो बहुत बड़ा चीज़ है, इसमें आज के दिन जितना हम खुशियाँ लुटाएं, लोगों को खुशियाँ बांटें, जो भी गरीबों को, मोहताजों को खाना खिलाएं, कपड़ा पहनाएं, जो भी करें आज, ये कम है। क्या नाम आपका? मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद साहब का जन्मदिन। प्रोग्राम आपके वार्ड में मुनक्किद किया गया, कैसा लग रहा है? देखिए, ब्लड डोनेशन कैंप जो है मेरे वार्ड में हो या तो किसी दूसरे वार्ड में हो, हर जगह होना चाहिए, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि ब्लड का कमी पड़ता है। और मैं तमाम नौजवान शिक्षा से गुजारिश करता हूँ कि अपने इलाका में, क्लब में, संस्था के जरिए ब्लड डोनेशन कैंप बैठाएं। और आज का दिन जो है बहुत मुबारक दिन है, क्योंकि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज जन्मदिन है, उनकी पैदाइश हुई थी, और यहाँ पर जो प्रोग्राम होने जा रहा है या हो रहा है जो प्रोग्राम, उसके लिए आवाम में एक मैसेज देना चाहते हैं, एक पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मैसेंजर थे, पैगंबर थे, और वो तमाम दुनिया के लिए पैगाम दिए थे, अमन और शांति के लिए पैगाम दिए थे, एक रास्ते पर चलने के लिए पैगाम दिए थे, भाईचारगी के लिए पैगाम दिए थे। ये सब ये है जो पैगाम दिए थे, और इसी के सिलसिले में हम लोग ये प्रोग्राम बनाया। धन्यवाद। अच्छा, आज आपने ब्लड दिया ना, कैसा लग रहा ब्लड देकर? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के मौके पर ब्लड दे, जब हम लोग ब्लड दे रहे हैं सब। कैसा लग रहा आपको ब्लड देकर?
अच्छा ही लग रहा है, किसी का सेवा कर रहे हैं। अनुभवी का क्या पैगाम आज उनका? हाँ चलो किसी मेरा थोड़ा किसी का काम आ जाएगा, दुनिया में सबसे बड़ा वही चीज है। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है झुंटू सिंह। अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है कि आपने 55 पर ब्लड डोनेशन कैंप किया, कैसा लगता ब्लड देकर? हम हर एक 3 महीना 4 महीना में एक उसको खून निकाला। अच्छा, हमको अच्छा लगता फिट रहता, इसीलिए हर एक 3 महीना 4 महीना जाते न जाते हम कहीं भी ब्लड कैंप होता है या कहीं भी बुलावट आ जाता है सब चले। जो लोग ब्लड नहीं दे रहे उसके लिए क्या मैसेज है? ब्लड देना चाहिए, किसी का जान बचाना चाहिए। अगर किसी का एक बोतल खून से अगर किसी का जान बचता है तो इससे बड़ा दान कुछ है नहीं। दान करना चाहिए, ब्लड दे देंगे इंसान का जान हमेशा बचाने का दूसरा। मोहम्मद साहब का जो प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है अवतार पुरुष, ये एक्चुअली इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर थे और इन्होंने जो संदेश दिया है आपसी भाईचारे का, उसको मुख्य रखते हुए यहाँ के इस्लाम धर्म के अनुयायी लोगों ने आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। मन गदगद हो गया क्योंकि अक्सर यह कहा जाता है कि मुसलमान भाई ब्लड डोनेट नहीं करते, और इस बात को झुठलाते हुए आज जो ब्लड डोनेशन कैंप किया गया, ये मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो ये नहीं देखा जाता कि यह किसका खून है, खून का रंग सबका एक है, पर आज रंग में जो बांट दिया गया है इससे आज निकलने की ज़रूरत है। और मोहम्मद साहब ने जो पैगाम दिया था कि जिसका दिन मनाते हो उसकी रमज को जानो, जिसका दिन मनाते हो उसकी बात को मानो, आज हम लोग अगर मोहम्मद साहब से प्रेम करते हैं चाहे कोई भी पैगंबर हो, पैगंबर एक ही है, उपदेश एक ही है, हम लोगों ने बांट के एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा धक्का किया है, उस धक्के से आज निकलने की जरूरत है। मैं एक बात यहाँ पर और ऐड करना चाहता हूँ कि कल का दिन बहुत ऐतिहासिक था क्योंकि करतार साहब का कॉरिडोर खोला गया और इमरान खान साहब को और नवजोत सिंह सिद्धू को हम लोग बधाई देना चाहते हैं, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि बाबे नानक का 550 साल मनाया जा रहा है और आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, इसको मुख रखते हुए एक कॉरिडोर खोला गया। मैं इमरान खान साहब को तहे दिल से नमस्कार और शुक्रिया अदा करता हूँ। যে মহাপুরুষের আজকে জন্মদিন, সেই উপলক্ষে তারা যে প্রয়াস করেছেন, লাভ করেছেন, সত্যি কথা বলতে গিয়ে আমি অভিভূত এবং শ্রদ্ধার সাথে তাদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, যে রক্তের মাধ্যম দিয়ে একটা জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে, এবং আমি মনে করি রক্ত এমন একটা জিনিস, তার কোনো ধর্ম থাকে না, তার কোনো জাতি থাকে না, তার কোনো আমি দেখেছি হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিস্টান যখন কোনো বিপদের মুখে পড়ে তখন তারা ভাত বিচার করে না, এটা কার রক্ত, হিন্দু ভাইয়ের না মুসলিম ভাইয়ের না শিখ ভাইয়ের, তারা কখন অম্লান বদলে তারা সেই রক্ত তারা গ্রহণ করে। আমি মনে করি আজকে যার জন্মদিন তাকে এই যে রবি সাহেব তাকে আমি শত সদস্য প্রদান জানাই, এই কারণে এই জন্মদিনে তাদের যে এই প্রয়াস, মুসলিম ভাইদের যে প্রয়াস, তাদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি মানুষ। देखिए आज का जो प्रोग्राम है वाकई में बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, इसलिए कि हमारे नबी साहब जो आखिरी हमारे नबी थे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पसंद है तो खिदमत खल्क, इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं कि आज का दिन जो ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है ये समाज की भलाई के लिए, इसलिए यही एक ऐसी चीज़ है जो बनती नहीं है ना बनाया जाता है, इसलिए खून इंसान से ही लिया जाता है और इंसान को ही दिया जाता है। प्रोग्राम और क्या करते हैं? सबसे पहले बात नबी नगर के सोशल वेलफेयर सोसाइटी को मुबारकबाद देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पर एक शानदार प्रोग्राम रखा ब्लड डोनेशन कैंप का, और ये अपने आप में इंसानियत के लिए एक पैगाम है। खून सबका लाल है, एक ही रंग है, इस प्रकार बात की कोई बात नहीं। इस प्रकार से मैं बेहद बेहद शहीद रजा अंसारी।
अच्छा आप यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आप सुबह से खट रहे हो, कैसा लग रहा आपको यहाँ का? अच्छा लग रहा था यहाँ पर काम करने से, ठीक है, कोई लोग दे रहा था ये भी अच्छा लग रहा था। और जो लोग ब्लड दे रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? ये तो पेशेंट के लिए सब कुछ दे रहा है, किसी खून दे रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा। ब्लड देने से कोई नुकसान तो नहीं होता? नहीं, ये नुकसान नहीं होता। आपका नाम क्या हुआ? MD जहांगीर। अच्छा ये प्रोग्राम कौन ऑर्गेनाइज किए हैं? प्रोग्राम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ न्यू नबी नगर कमेटी की जानिब से। अब तक कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया डोनेशन कैंप में? पार्टिसिपेट तो बेहतर ही चल रहा है, अभी और चलेगा, 16-17 हो गया है और लिस्टेड है, उम्मीद करते हैं कि ये 45-50 भी हो सकता है, इस तरह से चल रहा है। और लोगों के अंदर में खासकर मुस्लिम कम्युनिटी लोग जो है कहीं ना कहीं ये है कि मैंने ब्लड दान करने में थोड़ा पीछे रहते हैं, लेकिन इस तरह से अगर कोई भी संस्था अगर इसको ऑर्गेनाइज किया जाए, इस तरह प्रोग्राम अगर रेगुलर होगा तो अवेयरनेस आ जाएगा। हाँ, अवेयरनेस आएगा मुसलमानों के अंदर में, जो एक जो ब्लड देने का जो पीछे रहता है और सामने में आने का प्रयास करेगा। और आज देखा गया है कि सभी लोग जो दिए हैं सब मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, एक दो जन को बात दे करके बाकी सब को आकर के दे रहे हैं और बहुत उत्साह के साथ दे रहे हैं। इसमें ज़्यादातर नौजवान तबके के लोग ही शामिल हैं। सबसे पहला बात तो ये है कि ये दुनिया जो बना आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आसमान जमीन सारा जहां, तो वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, दुनिया का हर वर्ग के लिए वो रहमतुल आलमीन है। आज के दिन एक दुखी को मदद किया जाए, आज के दिन एक दूसरे को सहारा दिया जाए, आज का दिन हम लोग एक सबक लें कि आज ही के तरह हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल एक गरीब के बीच में खड़ा रहेंगे। यही मैसेज है और यही मैसेज आज दुनिया में जा रहा है कि हम लोग आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मिसाल है कि वो एक रास्ते से गुजरते थे, एक बुढ़िया डेली आके उनके ऊपर में कूड़ा फेंकते थे, अचानक ये नहीं फेंके तो पूछे क्या बात है, पूरा बुढ़िया बीमार है, जाकर बुढ़िया को देखा गया। तो उनके मानने वाले में हम लोग हैं, तो हम लोग का भी अपना फर्ज बनता है, और हम जिसके मानने वाले हैं बोलना अलग बात है, करना अलग बात है। करना यही है कि हम एक दुखी को, एक बीमार को, एक मुसीबत जदा को बीच में खड़ा रहे, मदद करें, खिदमत खल किया जाए। यही आज का इबादत का दिन है और यही आज का सबसे मुआतबर दिन है। जाते हैं नियामत को बढ़ाकर यहाँ से तकलीफ जाते हैं, फिलहाल हॉस्पिटल में काटकर ऐसी रोक जाना चल रहा है। तो हम लोग, मेरा रिक्वेस्ट है कि जो कैंप चल रहा है ये कैंप हम लोग जारी रखिए, साल में दो तीन बार कीजिए, कभी भी किसी का भी फोन करने का इच्छा आ रहा होगा तो आप हॉस्पिटल से तुरंत आ सकते हैं, वहाँ पर काट कर नया कैंप कभी करने खुला रहता है, कभी भी आके फोन ले सकते हैं। थैंक यू।